माय नेम इज़ एमन जैन। आज हम बात करने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में जो एडिबल ऑयल बनाती हैं और सोया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती हैं। पतंजलि के साथ भी इनकी टाइप है, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और काफ़ी जो दूसरी बड़ी कंपनीज है जैसे पतंजलि आयुर्वेदा, गोदरेज एग्रोवेट, इमामी, ये जो कंपनी है इस कंपनी को खरीदने के लिए बिड्स कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये कंपनी कौन सी है, ताकि आगे जो चल के आपको अच्छा खासा, अगर आपके पास ये स्टॉक है या अगर आपने लिया है तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो मैं शुरू करूँगा, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये जो कंपनी है आप देख सकते हैं, रुचि सोया इंडस्ट्रीज़, ये एडिबल ऑयल बनाती हैं और न्यूट्रेला एक इनका बहुत बड़ा ब्रांड है और काफ़ी अच्छा मार्केटिंग चैनल भी है। लेकिन कर्ज़ा इतना है बैंकों का कि लगभग 10,000 करोड़ का जो है इनका डेप्थ है, तो उसी को ये टाइम पे चुका नहीं पा रहे, तो उसी के कारण जो है NCLT में इनके ऊपर केस डाला है बैंक्स ने। तो उसी के चलते जो अब दूसरी जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने इस कंपनी को ख़रीदने के लिए बिड्स डाले हैं, तो इसका मतलब है जो दूसरी बड़ी कंपनीज है जैसे पतंजलि, गोदरेज एग्रोवेट, इमामी, ये अपना जो मार्केट स्ट्रेंथ है बढ़ाने के लिए इस कंपनी को ख़रीद सकते हैं, ताकि इनके जो असेट्स है, मशीनरी है, मैन पावर है, पूरा बैठा बिठाया जो इनका पूरा सेटअप है उन्हें मिल जाए और काफ़ी मीन्स लॉन्ग टर्म में अच्छा मीन्स रिटर्न इनको मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 13.40 के करीब चल रहा है और 52 वीक हाई आप देख सकते हैं 33.75 का है। तो अगर 5 साल का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये लगभग गिरावट ही हुई है इस स्टॉक में, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी माइनस में आ रहे हैं, वो भी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो आप मार्केट कैप इसका देख सकते हैं 447 करोड़ का है और EPS आप देखिएगा -185 का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके जो फाइनेंशियल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा आ जाए। लेकिन अगर किसी कंपनी ने इसे ख़रीद लिया है तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता है इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो इनका सेल्स का टर्नओवर देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का 3024 का है, सितंबर में 3088 का है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग माइनस में ही है, 1956 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, पहले और भी ज़्यादा था 2800 करोड़ के करीब, जो कि कम हुआ है। तो आने वाले समय में अगर ये कंपनी अच्छा करती है और दूसरी जो कंपनी कोई ख़रीद लेती है तो उसके भी बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं गोदरेज, पतंजलि अमंग 4 FMCG जेंट्स फॉर रुचि सोया। तो आप देख सकते हैं इमामी है, अडानी विलमार है, पतंजलि है और गोदरेज है। तो ये जो कंपनी है इन्होंने इसे ख़रीदने के लिए बिड्स लगाई हैं। अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है या कोई कंपनी ख़रीद लेती है तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को भी हो सकता है और जो ख़रीदने वाली है उसे भी काफ़ी हो सकता है थोड़ा, लेकिन कर्ज़ा उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन वो ज़्यादा कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि पूरा सेटअप रेडी है, तो प्रोडक्शन तो स्टार्ट है ही है, तो वो रिकवर जल्द से जल्द कर सकते हैं क्योंकि इनका जो ब्रांड है काफ़ी अच्छा चलता है और पतंजलि के साथ भी इनकी टाइप है। तो आप देख सकते हैं लगभग 10,000 करोड़ का जो है इनका डेप्थ है। तो इनके लीडिंग ब्रांड्स है न्यूट्रेला, महाकोश, सनरिच, रुचि स्टार एंड रुचि गोल्ड। तो ये सारे जो है इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो आज इसी कंपनी के बारे में बात करनी थी और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो होल्ड करिएगा, कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कोई कंपनी ख़रीदती है तो फिर से जो ये स्टॉक है काफ़ी बेहतर उछाल मार सकता है यहाँ से। और अगर आपने हाल ही में लिया है तो भी होल्ड करिएगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से या शॉर्ट टर्म में अगर न्यूज़ आ जाती है तो ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है, तो और रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो आज इसी स्टॉक के बारे में बताना था और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।